बड़े बड़े 5-स्टार होटल्स के अंदर ये रेसिपी मिलती है और उस रेसिपी को लेके आया हूँ आपके लिए। फार्म हाउस सैंडविच बहुत ही बेहतरीन सैंडविच है, एक बार अगर आपने खा लिया या किसी को खिला दिया तो दोनों हो जाएंगे दीवाने। तो चलिए मिलके बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो देख के आपके खाने में स्वाद आ गया है तो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का सैंडविच थोड़ा सा अलग बनेगा, तो उसकी जो सब्जियां हैं उसकी जो स्टफिंग है वो भी थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे देखिए मैंने लिए मशरूम, एक प्याज, हरी शिमला मिर्च और जुकनी ली है। और ये आप सोच रहे होंगे इस तरह से पैक क्यों रखी है, क्योंकि मैंने पहले इस्तेमाल करी थी इसको, उसके बाद में बायोडिग्रेडेबल फूड ग्रेड का मैंने क्लीन रैप इस्तेमाल किया और लगभग इसको हो गए हैं 10 दिन और देखिए कितनी फ्रेश है, ख़राब भी नहीं हुई। इसी तरह से आधी कटी हुई शिमला मिर्च बिल्कुल फ्रेश। अब सभी की कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स को हम ग्रिल करेंगे, तो ग्रिल करने के लिए थोड़ी सी बड़ी बड़ी काटेंगे लेकिन ज़्यादा मोटी नहीं काटेंगे। इसी तरह से हम लाल पीली शिमला मिर्च भी काट लेंगे। अगर आपके पास में जो सब्जी अवेलेबल नहीं है उसको स्किप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इस तरह से। हरी शिमला मिर्च तो ऑलरेडी बहुत पतली है, इसको पतला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको 1/2 कर देता हूँ मैं। प्याज के हम बल्ब निकाल देंगे इस तरह से, यहाँ से इस तरह से कट मारा और खोल लिया, इसको थोड़े से छोटे कर लेंगे और इनकी एक एक परत को खोल लेंगे। मशरूम को कैसे साफ़ किया जाता है, उसको कैसे काटा जाता है, इसका कई बार मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसकी हल्की सी ट्रिम कर दी है मैंने डंठल को और इस तरह से काट सकते हैं, एक तरीका ये हो गया, या फिर आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं इस तरह से, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह से काट सकते हैं। मशरूम को काटते टाइम एक बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पतला मत करना वरना ग्रिलर पे वैसे ही चिपक जाएगा। अब बची है ब्रोकली और बेबी कॉर्न, तो इसके डंठल को यहाँ से काटते हैं। इसका डंठल है थोड़ा सा हार्ड होता है तो इसको पील कर लेते हैं। इसके फ्लोरेट निकालेंगे और फ्लोरेट्स को इस तरह से काटेंगे, ये देखिए इस तरह से। ब्रोकली की जगह आप गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फूल गोभी का, उसको भी सेम ऐसे ही काट सकते हैं आप। वैसे सर्दी का टाइम है, आसानी से मिल जाती है ब्रोकली और सस्ती भी मिल जाती है। ब्रोकली के डंठल को भी थोड़ा सा पतला पतला काटेंगे। बेबी कॉर्न को थोड़ा सा ट्रिम करेंगे आगे और पीछे से, ज़्यादा बड़ा है तो इसको 1 का 2 कर लीजिए इस तरह से और बीचों बीच में से चीरा लगा दीजिए। पूरी सब्जियों के अंदर बेबी कॉर्न ही है थोड़ा सा हार्ड, इसलिए इसको थोड़ा सा पतला कर रख लेंगे जिससे जल्दी पक जाए। अब सारी सब्जियों को एक बॉल में डालते हैं क्योंकि करेंगे हम मैरिनेशन। 1 बड़ा चम्मच ऑयल, कोई सा भी आप वेजिटेबल ऑयल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गया नमक, काली मिर्च, काली मिर्च को हमेशा फ्रेश कूट के डालें, खुशबू बहुत अच्छी आती है। नींबू का जूस, इसकी जगह आप विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन खट्टा नहीं करना है बहुत ज़्यादा, 1 या 1.5 नींबू बहुत होगा इतनी सब्जियों के लिए। और थोड़ी सी मिक्स हर्ब, 2 छोटे चम्मच, इसकी जगह बेसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश बेसिल अगर है आपके पास में या फ्रेश पार्थले है। अब हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स कर दीजिए। यहाँ पे लिया हमने 200 ग्राम पनीर और पनीर को छोटे छोटे क्यूब में काटेंगे हम। यहाँ पे पनीर को हम ग्रिल नहीं कर रहे हैं, पनीर को हम चॉप कर रहे हैं और इसको मेयो के साथ मिक्स करेंगे एक क्रीमी टेक्सचर के लिए। चॉप किए हुए पनीर में डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और मेयोनीज, और मेयोनीज के अंदर मैंने पहले से हर्ब मिला के रखी हुई थी, इसको पहले मिक्स कर लेते हैं आपस में। हर्ब कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्स हर्ब आती है, ऑरिगेनो आती है, किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेयोनीज में डालना है 2 से 3 बड़े चम्मच, अच्छी तरह से बाइंड हो जाए बस। तो ये पार्ट तैयार हो गया हमारे सैंडविच का, क्रीमी टेक्सचर वाला। सब्जियां ग्रिल करने के लिए हमने यहाँ पे ग्रिल पैन का इस्तेमाल किया है, हल्का सा ऑयल डालेंगे। ग्रिल पैन ना हो तो आप नॉर्मल पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन तवे पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी तरह से हीट होनी चाहिए, अगर ठंडा होगा तो सब्जियां चिपक जाएगी इसमें। ये देख डालते ही आवाज़ आनी चाहिए चर्र जैसी, मतलब कि तवा गर्म है हमारा। जब एक तरफ से कलर आ जाए तो चेंज कर दीजिए इसकी साइड को। दोनों तरफ से बढ़िया सा कलर आ गया है, पूरी तरह से गलनी नहीं चाहिए सब्जियाँ, हल्का सा क्रंच रहना चाहिए इसमें, इस तरह से स्मोक आना चाहिए। अब इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी सब्जियाँ भी कर लेंगे। अगर आप ग्रिल नहीं करना चाहते हैं तो आप सौते भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट ग्रिल में ज़्यादा अच्छा आता है, एक स्मोकी फ्लेवर आता है उसमें। ब्रोकली को हम अलग से ग्रिल कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ब्रोकली के जो दाने हैं पूरी सब्जियों में आ जाते हैं, इसलिए मैं अलग से कर रहा हूँ इसको। अलग से ही मैरिनेशन किया था और अलग से ही ग्रिल कर रहे हैं इसको। और देखिए तवा कितना गर्म है, तवा गर्म ही होना चाहिए तभी ही बढ़िया कलर आता है इसमें। तवा अगर ठंडा होगा तो सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी। ग्रिल वेजिटेबल में फ़ायदा ये होता है कि सब्जियाँ पानी नहीं छोड़ती हैं। सौते भी कर सकते हैं इसको, लेकिन सौते में थोड़ा पानी छोड़ देती हैं सब्जियाँ। सैंडविच बनाने के लिए हमने यहाँ पे जम्बो ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आपके पास में जो अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम मेयोनीज लगाएंगे यहाँ पे। ये वही वाला मेयोनीज है जिसमें हमने हर्ब मिला रखी थी, बहुत ज़्यादा मेयोनीज भी नहीं लगाना चाहिए। मिक्स हर्ब वाला मेयोनीज लगाने के बाद में सबसे पहले हम एक स्लाइस के अंदर
पनीर वाला मिक्स डालेंगे। पनीर का बेस लग गया है, अब लगेगी वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल आपको ज़्यादा पसंद है वो लगा दीजिए। मेरे को ब्रोकली बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ब्रोकली ज़्यादा लगा रहा हूँ। एक बात गौर करी, सब्जियाँ पानी नहीं छोड़ रही हैं क्योंकि हमने इसको फैला के डाला था, एक के ऊपर एक नहीं डाला। एक के ऊपर एक डालेंगे तो सब्जियाँ गर्म रहेंगी तो पानी छोड़ देंगी। सारी सब्जियाँ हमने भर भर के डाल दी है यहाँ पे, और अब इसको दूसरी ब्रेड स्लाइस से कवर कर देंगे इस तरह से, और अब जाएगा सीधा ग्रिलर पे। ग्रिल पैन यहाँ पे मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठंडा होगा तो चिपक जाएगा, ज़्यादा गर्म होगा तो जलने लग जाएगा। और यही चीज़ आप तवे पे भी कर सकते हो। हमने अभी तक बटर नहीं लगाया, बटर हम बाद में लगाएंगे। जब एक तरफ से कलर आ जाए तो इसको पलट देंगे हम। अब लगा देंगे हम बटर, इससे बढ़िया सा क्रिस्पी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भी बटर मत लगाइए वरना गीला गीला सा हो जाता है, मज़ा नहीं आता है फिर खाने में। अभी थोड़ा सा बटर हम नीचे की तरफ से डालेंगे। ग्रिल पैन में कर रहे हैं तो अच्छी तरह से दबा लीजिए इसको, और ग्रिलर पे करेंगे तो उसमें दबाने की कहाँ ज़रूरत होती है, वो तो अपने आप ऊपर से दब जाता है। एक बार फिर से पलटी, और इस बार इसको ऐसे घुमाएंगे हम। थोड़ा बटर यहाँ पे भी लगा लेंगे, बहुत ही क्रिस्पी सैंडविच बनेगा यहाँ पे। दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया वाला क्रिस्पी हो चुका है, ये देखो ज़बरदस्त वाला। तो ग्रिल वेजिटेबल सैंडविच यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसको काट लेते हैं और सर्व करते हैं। सैंडविच अगर क्रिस्पी नहीं बना तो मज़ा नहीं आता है। अब इसको दो हिस्सों में काटते हैं। ऐसे सैंडविच काफ़ी बड़ा है, इसको चार हिस्सों में भी काट सकते हैं। और ये देखिए शानदार वाला सैंडविच रेडी हो चुका है यहाँ पे। फार्म हाउस सैंडविच भी कह सकते हैं आप इसको। दुनिया भर की सब्जियाँ हैं ना इसके अंदर, लग रहा है ना दिखने में बहुत ही मस्त, खाने में बहुत मज़ेदार है।